हमें गिवन है कि तीन पॉजिटिव नंबर हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, तो कौन से होंगे? ए ए आर और ए आर स्क्वायर। बस आर की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो इंक्रीजिंग जीपी बनेगी। और हमें बोला गया कि अगर मिडिल टर्म को डबल कर देते हैं, दैट मीन्स ये हमारी मिडिल टर्म है, इसको डबल कर देते हैं, दैट मीन्स ये टू ए आर हो जाती है अगर बाकी टर्म्स एज इट इज रहे, और अगर ये डबल हो जाए तो ये जो ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें बोला कि कॉमन रेशो क्या होगी, फिर दैट मीन्स हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की क्या वैल्यू होगी। देखो हमें पता है एपी की बेसिक कंडीशन क्या है कि जो मिडिल टर्म होती है, दैट मीन्स ये टू ए आर है, उसका डबल फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर के इक्वल। इसको अगर हम सोल्व करेंगे बना फोर ए आर इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए कॉमन लूंगा ये बनेगा वन प्लस आर स्क्वायर, ये थी फोर ए आर, ए से ए कैंसिल आउट, ये वाली टर्म अगर मैं उधर ले जाऊं ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर आर इक्वल्स टू जीरो। देखो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा देंगे, वो क्या होता है, रूट निकालेगा, आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए, ये फॉर्मूला होता है। यहां से मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, यहां पर ए की वैल्यू क्या है वन, बी की वैल्यू माइनस फोर और सी की वैल्यू वन, हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, ठीक है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये क्या बनेगा माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस का फोर डिवाइडेड बाय टू, जिसको सोल्व करने के बाद जो हमारे टर्म है मैं यहां लिख रहा हूं वो बनेगा फोर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर, दैट इज सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व क्या होता है टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, जिसकी वैल्यू आ जाएगी टू प्लस माइनस रूट थ्री, टू प्लस माइनस रूट थ्री दैट इज टू प्लस रूट थ्री, और दूसरी वैल्यू टू माइनस रूट थ्री। अब देखो क्या बात करी स्टार्टिंग में, आर की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, क्या होगा टू प्लस रूट थ्री, उसकी वैल्यू देखो ये क्या होगा टू, और रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी वन पॉइंट सेवन, तो ये तो बन जाएगा थ्री पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स ये तो वैल्यू ठीक आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूं ये बनेगा टू माइनस वन पॉइंट सेवन, यानी जीरो पॉइंट टू के अराउंड आ जाएगी वैल्यू, तो क्या ये वन से बड़ी है, नहीं है, इसलिए हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, जो हमारा आंसर होगा वो होगा टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ